तो दोस्तों पिक्सल लैब के नए अपडेट के बाद अब दोस्तों पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट ऐड करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। देखना चाहते हो तो मैं चलता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम चलते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में जाने के बाद मैं चलता हूँ माय फॉन्ट में और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है दो ऑप्शन मिल जाते हैं फॉन्ट्स को ऐड करने के लिए। तो दोस्तों पहले हम चले जाते हैं यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फॉन्ट है वो यहीं पर है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारा फॉन्ट साइन। तो हम इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी फॉन्ट दिखा नहीं रहा है। तो फिर भी हम यहाँ पर ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक कर देते हैं। तो हम फॉन्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो ये रहा सनसाइन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो फॉन्ट है, देख सकते हैं सनसाइन के यहाँ पर दो फॉन्ट है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉन्ट है वो ऐड हुआ कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जो है फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका जो नया तरीका है वो क्या है, वही दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है फॉन्ट डाउनलोड करेंगे ताकि आपको भी ठीक से समझ में आए। तो मैं आपके सामने एक नया फॉन्ट डाउनलोड करके उसको जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इंग्लिश फॉन्ट स्टाइल, इतना आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पर डिफॉन्ट इस वेबसाइट में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ से दोस्तों आप जो है उन फॉन्ट्स को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ मेगा पंच। तो डाउनलोड करने का दोस्तों ऑप्शन आपको यहाँ साइड में ही मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया है तो वो फॉन्ट दोस्तों जिप फाइल में रहेगा, तो उसे दोस्तों हमें जो है नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने फाइल में चले जाना है। वहाँ पर दोस्तों आपको जो है डाउनलोड में चले जाना है और वहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो फॉन्ट वहाँ पर आपको ढूंढ लेना है, मतलब उसको फाइंड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सनसाइन जो फॉन्ट था उसको भी हमने जो है नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। नहीं तो आप कहोगे तू तो इसको जिप फाइल में ही ऐड कर रहा होगा इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने दोस्तों इससे भी नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको जो अभी डाउनलोड किया हुआ है इस फॉन्ट को भी नॉर्मल करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली उस फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो फाइल है वो नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो है ये जो पहला वाला जो फॉन्ट ऐड करने का ऑप्शन है आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें कि दोस्तों आपकी फाइल के सारे फोल्डर उसमें रहेंगे। तो हम इस पर ही सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो फॉन्ट है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में है, तो हम डाउनलोड वाले फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फॉन्ट है वो ये रहा, तो हम इसको सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसमें जो है कि अलग अलग स्टाइल में ये फॉन्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो हम इन सभी फॉन्ट स्टाइल को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर दोस्तों आपको जो है सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको उसी पर ही टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो सनशाइन वाला जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था उस फॉन्ट को भी दोस्तों मैं जो है ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर पहले वाले ऐड फॉन्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो पहले से ही सिलेक्टेड है। तो हम चलते हैं डाउनलोड पर और यहाँ से दोस्तों हमारा जो फॉन्ट है सनशाइन इस पर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद हम इन दोनों फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम सिलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे हमारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है।